सोच रहे होंगे ये क्या मैसेज हमें देने वाली है एक टाइगर है जो कि जू में है एग्जैक्टली तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पोम जहाँ पे हमें बताया गया है बेसिकली ये जो पोम है ये कंपेयर कर रही है एक एनिमल को जब वो अपनी वाइल्ड लाइफ में रहता है जब वो अपनी नेचुरल हैबिटेट में रहता है वर्सेस वही एनिमल जब उसको हम वी पुट अप एन एनिमल बिहाइंड बार्स जब हम उसकी जितनी भी उसकी पार्स uh, होती हैं जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वी पुट ऑल थिंग्स बिहाइंड दज तो तब उसकी कंडीशन क्या होती है क्या वो जैसी उसकी क्वालिटीज होती है जो उसके फीचर्स होते हैं वो डिपिक्ट कर पाता है नहीं और वो क्या बेसिकली फील करता है तो दीज ऑल आर द थिंग्स जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोम हमें मैसेज कन्वे करेगी टाइगर इन दू तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस पोम को समझना बट बिफोर वी प्रोसीड हम सबसे पहले समझेंगे इस पोम की थीम क्या है किसने लिखा है इस पोम को और फिर वर्ड टू वर्ड पोम को डिस्कस कर

in britain's and the us today he is considered one of the most important welsh writer of the, the post-war period his collections of stories including collected poems have won many prizes among them the um, कॉलमले पोएट्री, दी डेविड हिगम मेमोरियल प्राइज दी कैथरीन मैन्सफील्ड मेमोरियल अवार्ड दी एम एल अवार्ड दी एम अवार्ड फॉर पोएट्री एंड वेल्श आर्ट्स काउंसिल सीनियर्सन अवार्ड तो इतने सारे अवॉर्ड्स हैं जो लेस्ली नॉरेस बैग करते हैं सो so, यहाँ से हमें समझ में आ सकता है कि, कि कितने ब्यूटिफुल कितने अट्रैक्टिव राइटर हैं जिन्होंने अपने बहुत डीप इमेजिनेशन और राइट right फीलिंग्स को डिपेक्ट करने की कोशिश की है तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस पोम की थीम क्या है द पोएट शोज हिज रीडर्स दैट द टाइगर इज बेटर सूटेड टू लिव इन द वाइल्ड ऐसा क्यों बोला गया Because एक प्रैक्टिकली बात सोच करके देखिए मेरे टेंथ क्लास के प्यारे बच्चों अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि अब देखो हम आ, कितने फ्री रहना पसंद करते हैं कि मम्मा पापा भी अगर हम पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाएं तो हमें वो पसंद नहीं होती अगर हमें टीचर्स भी बार बार टोक तो टाकी करें तो हमें पसंद नहीं होती अगर हमें कोई भी किसी भी सेंस की बाउंड्रीज हमारे लिए कोई सेट करे तो हमें वो चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती एंड वीलवेज वॉन्ट बी मास्टर ऑफ आर सेल्व हम किसी के अंडर काम नहीं कर सकते फ्री थॉट फ्री मूवमेंट ये सारी चीजें हमें पसंद होती हैं। तो अगर मैं आप को अगर मैं आई पुट यू बिहाइंड द बार या अगर मैं आपका एक एरिया डिफाइन कर दूं कि अब आप से आपको बस एक बंद कमरे में या एक घर में ही रहना आप इससे बाहर नहीं जा सकते आप ऐसा नहीं कर सकते और आप ये नहीं कर सकते बिकॉज अब आपकी लिमिट सिर्फ वही आप बाहर खेलने के लिए नहीं जा सकते घूमने फिरने नहीं जा सकते अपने फ्रेंड से नहीं मिल सकते हो आपको बाहर अगर कुछ एक्सप्लोर करना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज आपकी लिमिट सिर्फ वो चार दीवारी ही है तो आप कैसा फ़ील करोगे आपको कितना गुस्सा आएगा और आपका जो एक्चुअल एटीट्यूड है जो आपकी नेचर है जो क्वालिटीज है वो सब रह जाएंगी एक बंद दीवार के पीछे तो आप कैसा फील करोगे तो ये क्वेश्चन से ये स्टार्ट होती है हमारी पोम तो यही चीजें हम सोच रहे हैं आप एनिमल के लिए स्पेसिफिकली यहां पर टाइगर के लिए जब एक टाइगर हु इज अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी पार करेज और ऐसी अगर हम ये सारी चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो कैसा फील करता है एक एनिमल राइट सो द पोएट शोज हिज रीडर्स द टाइगर इज बेटर सूटेड टू लिव इन द वाइल्ड

पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी तो इको कैसे बैलेंस होगा तो वो तो डिसबैलेंस हो जाएगा और ऑल टुगेदर जो डियर जिन्हों खाते तो पूरी जो फूड साइकिल है पूरा जो इको है वो इन लोगों ने नेचुरली मेंटेन करा गया जो कि बहुत जरूरी चीज भी है सो इट्स नॉट रॉन्ग कि वो लोग अपने छुपते हैं और अपने प्रे को ढूंढते हैं और उसको पाउंस करते हैं और फिर उसको खाते हैं सो दैट्स नो रॉन्ग इन इट राइट रादर देन लिविंग इन द जू तो कंपेयर किस करेंगे हम कि जो एक टाइगर है अगर वो वाइट

और वो चाहे तो ह्यूमन uh, को भी वहां तक भी अप्रोच कर सकते जहां पे ह्यूमन की हैबिटेट्स बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोगों ने जो एनिमल्स uh, का जो बर्ड एनिमल्स का जो नेचुरल एनवायरमेंट है हम तो उसको खत्म करते जा रहे हैं हम अपनी नीड्स और डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए पेड़ों को ऑंडियों तरीके से काट रहे हैं और हम फिर प्लांट भी नहीं करते हैं। हम एनिमल्स को अपने नीड के लिए अपने बेनिफिट्स के लिए अपने सेक के लिए एनिमल हंटिंग कर रहे हैं तो अब वो लोग बेचारे कहा जाएंगे तो हमने उनका एरिया अगर ऑक्यूपाई कर लिया है तो यहाँ कि वो भी चाहे तो हमारे एरिया में आ सकते हैं और अगर उनको उनकी चीज़ें खाने को नहीं मिलेंगी जैसे कि मान लीजिए डियर डियर को हम हम अपनी नीड के लिए अगर हम उसको हंट कर रहे हैं को अगर हम हंट कर रहे हैं किल कर रहे हैं अपनी नीड्स डिमांड सेटिस्फैक्शन के लिए तो कहीं ना कहीं वो लोग क्या खाएंगे अब खाली पेट होंगे गुस्से होंगे गुस्सा होंगे अगर भूख लगेगी तो उनको तो और गुस्सा आएगा वो ऑलरेडी वो इस चीज के ही सिंबल है तो अब तो और गुस्से वाले बनेंगे ही बनेंगे और हमारी लिमिट्स में एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज हम उनके लिमिट्स को खत्म करें कहीं ना कहीं राइट सो इन द वर्ल्ड इट कैन रोम फ्रीली एंड हंट एज इन वैन इट रिक्वायर्स फूड इट कैन अप्रोच ह्यूमन हैबिटेशन बट विल नॉट हार्म देम अनलेस इट इज प्रोव वो आएंगे हमारी हैबिटाट्स में बट वो हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक हम उनका कुछ बिगाड़ेंगे नहीं अगर हमने बिगाड़ा तो फिर हम बचने वाले भी नहीं हैं बट विल नॉट हार्म ऑन other अदर हैंड इन zoo, its रेडियस ऑफ मूवमेंट इज वेरी स्मॉल लेकिन अगर हम दूसरी साइड बात करें उस टाइगर की जो कि इम्प्रजेंट है जो कि खेच में है जो कि जू में जिसकी जो लिमिट्स है वो पूरी रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है तो वो क्या करेगा उसका जो रेडियस है जो एरिया है वो बहुत लिमिटेड है बहुत छोटा सा है राइट सो इट्स रेडियस ऑफ मूवमेंट इज वेरी स्मॉल इट फील्स लाइक अ प्रिजनर इन अ जेल सेल और वो ऐसा फील करता है कि जैसे कोई कैदी को हम जेल में बंद कर देते हैं तो कैसे थॉट्स कैसा फील करते हैं सेम टाइगर इन द ये जो टाइगर इन द केज है टाइगर इन द जू है ये फील कर रहा है इट इज़ फेड बाई द जू अथॉरिटीज एंड सो इट अनलर्नस हाउ टू लिव बाय इट्स सेल्फ एंड बिकम्स लेजी और यहाँ पे वो अपनी इच्छा से जब नेचुरल इन्वायरमेंट पर रहता है सो इट कैन रोम फ्रीली एंड हंट एज एंड वेन इट रिक्वायर्स फूड वो अपनी इच्छा से जब भी उसको भूख लगी वो हंट करता है और खाता है और उसको ये फूड खाने की आदत नहीं है बट इज फेड बाय द जू अथॉरिटीज बट उसको मजबूरी में अब पेट भरना तो वो खा रहा है इट अन लर्नस हाउ टू लिव बाय इट सेल्फ एंड बिकम्स ले पहले जो उसको चीजें आती थी, थी अब वो उन चीजों को नहीं सीख पा रहे कि हाउ टू लिव फ्रीली हाउ टू लिव फ्रीली बिकॉज नहीं रहा पा रहा है वो सब कहीं ना कहीं बंद हो गया है खत्म कर दिया है सो so, टाइगर जो जू में है इट आन लर्न हाउ टू लिव बायसे वो खुद से कैसे रहता है खुद से कैसे अपना uh, पेट भरता है कैसे अपना हंट करता है अपने प्रे को तो ये सारी चीज अनलर्न कर बिकॉज उसकी प्रैक्टिस ही खत्म हो गई अब तो उसको फीड किया जा रहा है और ये सब तो उसकी प्रैक्टिस में ही नहीं था और अब वो क्या हो गया वो लेजी हो गया वो लिथार्जिक हो गया बिकॉज अब उसमें कोई एनर्जी एनर्जिक कोई नहीं बचा बिकॉज अब वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में ही नहीं है लेट्स रीड फर्दर इट डजेंट अप्रिशिएट ह्यूमस कमिंग टू इट और तो और टाइगर को बहुत इरीटेशन होती है जब कोई आता है और देखो हम भी ऐसा करते ना कि अगर आप कभी ज़ू गए हो तो आपने ये चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस करी होगी कि हम कितने एक्साइटेड होते हैं ज़ू में पर्टिकुलरली वो एनिमल्स देखने के लिए कि जिनको हम कभी क्लोजली नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत डेंजरस होते हैं वो बहुत रिस्की होते हैं बहुत अनॉर्मस होते हैं जैसे कि लाइन हो गया जैसे कि टाइगर हो गया अब इनको अगर हम अगर ये वाले एनिमल हमें केज में दिख जाए अगर हमें जू में दिख जाए तो हमें बड़ा मज़ा आता है हम कहते हैं इन्जॉय करते हैं वाह देखिए टाइगर देखिए देखिए इसके पॉज कैसे है देखिए इसकी टेल कैसी है देखिए कैसे, कैसे स्नॉलिंग कर रहा है तो हमें वो देखने में तो बड़ा मज़ा आता है तो यहीं पर यह जो टाइगर है वो कैसा फील करे मान लीजिए आपको एक केज में आपको एक पिंजरे में बंद कर दिया या आपको एक बंद कमरे में बंद कर दिया है और बाहर से जो फ्री लोग हैं और वो आपको देख के आप हंस रहे हैं कर रहे करो तो आपको कैसा फील होगा और वो एनिमल जो कि फ्री लिविंग एनिमल है उसको बंद कर दिया और लोग अब उसको देख रहे हैं तो उसको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती बिकॉज अंदर ही अंदर वो ऐसा फील करता है कि अगर मैं बाहर होता तो तुम सब अंदर होते बिकॉज मेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता मैं बिकॉज बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल है टाइगर राइट वो क्या कर सकता है वो शिकार कर लेता अगर सामने होता किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं होती बिकॉज इज वेरी पावरफुल इज़ वेरी राइट बट अब क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई कि

मुझे फ्री नहीं किया गया और मुझे कब तक इस केज में ऐसी जितनी भी जो मेरी पार्स हैं जो मेरी स्ट्रेंथ है उनको लिमिट उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा ऑल इन ऑल अ टाइगर लिव्स एन अनैचुरल एंड अनहैप्पी लाइफ इन दिस जू पूरे से समझ में आता है कि जो एक टाइगर है वो कैसे अन तरीके से और बहुत ही अनहैपीली अपनी लाइफ को स्पेंड करता एक ज़ू में इन द पर्म अ टाइगर इन द ज़ू लेस्ली नॉरिस हैज़ गिवन एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टाइगर इस पर्म में लेस्ली नॉरिस ने जो इसकी पोएट है जो इसके पोएट हैं उन्होंने बहुत ही ब्यूटिफुल और बहुत ही अप्रोप्रिएट तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसे अगर एक टाइगर एक ज़ू में है एक कैप्टिविटी में तो वो कैसा फील करता है

क्वाइट भी है ये शांत भी और रेज गुस्सा मतलब गुस्से में तो है बट वो गुस्सा बहुत शांत है बिकॉज अब वो कुछ चाह के भी वो कुछ कर नहीं सकता वो अपना गुस्सा किसी को दिखा नहीं सकता बिकॉज वो अभी केज के अंदर है ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वॉटर होल वे प्लम डियर पास अब यहाँ पे क्या बोला है ये जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ कौन सा है ये जब टाइगर कहाँ पे होता है सॉरी नॉट इन द जू बट ये टाइगर है अपने नेच चरल हैबिटेट में और ये वाला जो फर्स्ट चांस था ये कहा था जब टाइगर कहां पर था जू में था जब टाइगर केज में था इमेंट था अब यहाँ पे बोल रहे हैं अगर पोएट पोएट लेस्ली पे बोल रहे हैं कि अगर 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 अपने अपने सॉरी टाइगर नेचुरल में होता अगर वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में होता तो वो क्या कर रहा होता सो ई शुड बी लर्किंग इन द शेडो तो वो क्या कर रहा था अभी छुप रहा होता कहां पर छुप रहा होता जैसे कि मान लीजिए बड़ी बड़ी जंगलों में जो ग्रीन कलर की जो ग्रास लगी हुई थी उसके पीछे से शेडो में छुप रहा

तो ये ऐसा कहां पे कर रहा होता है नियर द वॉटर होल क्यों वहां पर बिकॉज वहां पर क्या होता है सारे जानवर आते हैं तो वहां पर इस टाइगर का भी प्रे जरूर आएगा वेयर प्लम्प डियर पास जहाँ प्लम्प डियर क्या बोल अच्छा मोटा ताजा था जिसमें अच्छा खासा फ्लैश होगा तो वहां पर अच्छा एक मोटा ताज़ा डियर आएगा अपनी प्यास बुझाने के लिए और जैसे ही वो आएगा ये तो छुपा होगा और उस पर फाउंस करेगा झपट्टा मारेगा और इसको अपना प्रे बना लेगा इसको हंट कर लेगा तो नेचुरल हैबिटेट में तो गुस्से वाला इतना क्रेज यहां है स्ट्रेंथ हाँ है पार्स है।, है, है, जो जो है जो, जो क्रेज है, है उसके अंदर वो सब अभी लिमिट किया गया रिस्ट्रिक्ट किया गया तो अभी वो स्टॉक कर रहा है और वह अपनी उसकी बॉडी बहुत विविड है स्ट्राइप्स बहुत ही ब्राइट बोल्ड एलिगेंट है और वहीं पर कुछ कदम घूमता है जो ज्यादा नहीं घूम पाता बिकॉज़ वो केज बहुत छोटा सा है ऑल पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज और वो काफी गुस्से में है बट वो गुस्सा उसका भी वो दिखा नहीं सकता बिकॉज़ वो इन प्रेजेंट है ही इज बिहाइंड द बार्स अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा

एरिया सोसाइटी का डॉग भी अगर आ जाता है तो ये लोग एंटर नहीं होने देते कम्युनिटी होती है कि बाहर का कोई डॉग हमारे एरिया में नहीं आ सकता तो वो लोग तो आवाज होती है उसको स्नार्लिंग बोला गया तो अगर वो ओपन में होता अगर ये जो टाइगर है इसकी जो लिमिट्स हैं अगर ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता तो ये क्या कर रहा होता है शुड बी स्नार्लिंग अराउंड वो घरों तक वो अप्रोच

दिखा रहा था पंजों से तेज तेज चल रहा होता और उस पूरे विलेज को टेरराइज कर रहा होता यहाँ पे विलेज क्यों बोला बिकॉज uh, जो सोसाइटीज uh, सोसाइटी जो डेवलप्ड ओवर एरिया होता है वो uh, वो फॉरेस्ट या जंगल से काफी इंटीरियर में होता है तो ये आउटर एरियाज में होता है तो इनके एडजेसेंट में विलेजेस होते तो वहां पर अप्रोच करके पूरे विलेज को ये डरा रहा होता अगर ये टाइगर अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में होता अगर ये इंजॉय कर रहा होता अपना नेचुरल बट तो अभी टाइगर कहां पर है टाइगर अभी जू में है सो बट अब प्रॉब्लम क्या है टाइगर के साथ ही इज लॉक्ट इन अ कॉन्क्रीट सेल कॉन्क्रीट का अगर रेत गिट्टी मिट्टी का जो बना हुआ जो एक ऐसा बॉक्स जैसा बोल लो एक सेल बोल दो ठीक है सो बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक सीमेंट सैन एंड वाटर तो अब वो क्या है अब वो एक आब... पिंजरा एक केज बोल सकते हो अब एक सेल बोल सकते हो वो आप उसमें बंद है हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स और जो भी उसकी ताकत है जो भी उसमें पावर you है know, जो भी उसमें यू नो जो आउटरीज जो उसकी नेचर है वो सब अभी बंद है या वो सब अभी बिहाइंड द बार्ज ही है स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स तो अब वो क्या कर रहा है बट अभी क्योंकि वो बंद है एक कॉन्क्रीट सेल में और उसकी जितनी भी ताकत है वह भी उसको शोकेस नहीं कर पा रहा उसके जो भी पोटेंशियल है वो उसको भी यूज़ उस सिर्फ क्या करता है? घूम रहा है और ऐसा लग रहा है तो लिमिट से इतनी है अभी क्योंकि वो बंद है वो और वो क्या कर रहा है जो भी आ रहा है उसको देखने के लिए उन सबको इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है लेकिन वो बहुत ही इज in concrete cell now He hears a last voice at night दी पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद इज ब्रिलियंट आइज एट द्रिलियंट स्टार्स अब यहाँ पर क्या कर रहा है टाइगर अब ये जो है यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बिताया गया ही स्टेयर्स द लास्ट वॉइज एट नाइट अब जब वो खेज में होता है जब वो जू में होता है तो लास्ट में जो होता है वो पेट्रोलिंग कार्स आती है देखने के लिए कि सारे एनिमल्स ठीक हैं कोई ऐसा अन वॉन्टेड इंसान तो नहीं है अंदर कोई कोई एनिमल हंटिंग तो नहीं कर रहा तो ये चेक करने के लिए कार्स पेट्रोलिंग में रहती है और जब कार्स पेट्रोल करती तो उसका जो साउंड होता है जो हुटर्स जो हॉर्न्स होते हैं और जो उनकी तेज लाइट्स होती है जब इनकी आंखों पे पड़ती है बिकॉज इनका एरिया डिफाइंड अभी हम मूव नहीं कर सकते बिकॉज अभी वो कहाँ पे कॉन्क्रीट सेल में है दे पुट इन वो कहा मूव करके जाएंगे और जब जंगल में होते हैं तो वो कहीं पेड़ के पीछे छुप के सो जाते हैं बट अब वो यहाँ पे प्रॉपरली रात को सो भी नहीं सकते बिकॉज ऑफ दिस पेट्रोलिंग कार्स उनकी तेज लाइट और गाड़ियों के तेज हॉर्न और हूटर उनको शाम

एक पॉइंट से अपने सोल को सुध कर रहे हैं ना ही हेयर्स आप देखो यहां पर क्या बोला गया यहां पर टाइगर को ही बोला गया क्या चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे सो हीस द लास्ट वॉइस एट नाइट और आखिरी में उसको एक आखिरी आवाज सुनाई देती है दिन का जब एंड हो जाता है तो उसको लास्ट में एक आवाज सुनाई देती है रोज द पेट्रोलिंग कार्ड वॉट इज पेट्रोलिंग है टू गार्ड और टू विजन एंड स्टेयर विद ब्रिलियंट आईज और ब्रिलियंट क्यों कि बोला बिकॉज ये जो कैट फैमिली की जो आईज होती है वो बहुत चमकती है और कोई भी एनिमल को अगर आप देखो अगर आप डॉग को भी देखो को भी देखो तो इनकी आईज होती है वो बहुत ही ब्रिलियंट होती है बहुत ही चमकती है जब लाइट पड़ती है तो बहुत ही फ्लैश करती है इनकी लाइट एट द ब्रिलियंट स्टार और वैसे जैसे इनकी आंखें चमकती है वैसे चमकते हुए जो स्टार्स है इनकी आंखें क्या करती एक तरफ उनकी जो पेट्रोलिंग की जो uh, कार्स होती है उनकी लाइट से इनकी आंखों को बहुत प्रॉब्लम होती रात को सो नहीं पाते बट द सेम टाइम जब ये स्टार्स को देखते हैं उन चमकते हुए टिमटिमाते हुए स्टार्स को देख के इनको बहुत सेटिस्फैक्शन और रिलैक्सेशन फील होता है यहाँ पे एंड होती है हमारी ब्यूटिफुल सी पोम पोएट इन जू जिसको लिखा है ने आई होप डू द पोम वेरी वेल well. अब हम बात करते हैं द दी ऑफ द देंटा पोम जल्दी से देख लेते हैं इसको कंप्लीट प्रसाइस वे में समझते हैं ना द पोम मूव्स फ्रॉम द जू टू द ज़ू फ्रॉम द जू टू द जंगल ये क्या हो गया रिपीट हो गया फ्रॉम द जू टू द जंगल ये पोम कहां से मूव कर रही है स्टार्ट होती है जू जंगल जू, से और मूव करती है जू में मतलब ओपन नेचुरल इन्वायरमेंट नेचुरल हैबिटेट से लेके कैप्टिविटी की बात करी जा रही है एंड बैक अगेन टू द जंगल और फिर से जंगल में आ जाती है आप अगर ध्यान दिया होगा तो मैं क्यों लिख रही थी बिकॉज यहां पे मैं समझ में आया था फर्स्ट uh, पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो यहां पे कहाँ पर है केज में है तो जू फिर यहां पे नेचुरल हैबिटेट फिर यहां पर हम बात करें तो फिर नेचुरल हैबिटेट और फिर यहां पे जू हो गया और लास्ट में एंड कहाँ पे होता है हमारा एंड uh, कहाँ पे होता है अगेन दैट इज इन दी जू तो पोम कहाँ से मूव करती स्टार्ट होती है नेचुरल हैबिटेट से जू में जाती है फिर जू वाला स्टैंड आता है फिर नेचुरल हैबिटेट आ जाता है और फाइनली एंड करती है जब टाइगर हमारा जू में होता है सो so, समरी पो मूव फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जंगल पहले जू में होती है फिर जंगल में चली जाती है फिर जंगल और फिर फाइनली जू में आ जाती है दोइ सीज अ टाइगर अब यहां पर क्या बोला है पोइट देखते हैं टाइगर को फुल ऑफ रेज उसके बहुत गुस्सा भरा हुआ है बट क्वाइट वो शांत है क्योंकि वो जानता है मैं चाह कर भी कुछ कर नहीं सकता वो अपने आप को बहुत मजबूर फील कर

रहना चाहिए और उसकी जो नेचर है उसका जो ट्रेट है फ्री इज बॉर्न टू बी फ्री उसको अपने फ्री एनवायरमेंट में रहना चाहिए और उसको अपने को फ्रीली हंट करके अपनी हंगर को सेटिस्फाई करना चाहिए बट नाउ ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल बिहाइंड द बार्स। एट नाइट ही स्टार्स ब्रिलियंट आईज एंड लॉन्ग फॉर फ्रीडम और रात को क्या करता है वो उन खुले आसमान में उन स्टार्स को देखता है और वो विश करता है और वो उसकी एक डिजायर होती कि जैसे मैं पहले फ्री था और इन फ्री स्टार्स को देखता था तो अब मैं लेकिन केज हो लेकिन वही फ्री स्टार्स मुझे दिखे तो काश मैं वापस अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में या नेचुरल हैबिटेट में चले जाऊं और इन स्टार्स को फ्रीली एंजॉय कर सकूं तो यहां पे एक विश एक डिजायर एक लॉन्गिंग रेस होती है पोएट टाइगर की जो एक

जानवर है खुले एनवायरमेंट का है ये बहुत प्राउड ही ब्रेवरी का सिंबल है हमें कि हम इसको के में नहीं रखना चाहिए इन द टाइगर हांड इट्स ओन फूड अलोन एंड विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम अदर्स ऑफ इट्स अब जब वो वाइल्ड में होता है अपने नेचुरल एनवायरमेंट में होता है तो वो किसी से जब भी उसको भूख लगती है वो अपना फूड खुद हंट करता है और उसको खाता है और उससे उसको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है इवन वो किसी की हेल्प तक नहीं लेता जो उसके जैसे ही दिखने वाले और एनिमल्स हैं वो उनके भी हेल्प तक नहीं लेता ही इज ऑल अलोन और वो सारी चीजें खुद से करता है और फिर तब उसको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है द स्टिल थी हंटिंग ऑफ डियर एट द वाटर होल मे सीम क्रूएल बट हेल्प फ्रॉम अदर्स ऑफ इट्स काइंड अब यहाँ पे क्या बोले? हो सकता है कि हमें लगता है जो स्थिल थी हंटिंग कर रहा है कि बहुत गलत है गलत काम ऐसे उसको बेचारे किसी डियर को नहीं मारना चाहिए एट द वॉटर होल मे सीम क्रूएल हमें हो सकता है ऐसा लगे कितना क्रूएल है ये कितना विकेड है ये जानवर बट हेल्प फ्रॉम अदर्स ऑफ इट्स काइंड बट ये कहीं ना कहीं उनकी मदद कर रहा है कि कोई और उसका शिकार ना कर ले इसलिए ये उसका शिकार कर लेता है और एक नोबल कॉज जो बायोलॉजिकल प्रोवेन है कि हमारी इको को मेनटेन करके रख रहा है वाटर होल मे सीम क्रील बट इज मीयरली अर्वाइवल स्ट्रैटेजी हो सकता है कि यही जो गलत हमें लग रहा है क्योंकि छुप के उसने शिकार करो पीठ पीछे वार करा यारंदी तो बात है बहुत

इट इको सिस्टम हेल्दी एज वेल और इसी तरीके से तो हमारी फूड चेन मेंटेन हो रही है और अल्टीमेटली पूरा जो है वो हेल्दी इसी वजह से हो पा रहा है जब सारे एनिमल्स उसमें अपना प्रॉपर रोल प्ले कर पा रहे हैं और वो कब कर पा रहे हैं जब वो अपने नेचुरल एनवायरमेंट में और अगर हम उनके साथ थोड़े से भी चेंजेस करेंगे उनको हम थोड़ा सा भी डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट करेंगे और अगर हम उनको डिस्प्लेस कर देंगे तो तब ये चीजें मेंटेन नहीं ही हो पाएगी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी

Occasionally strays into humans. ह्यूमन हैबिटेशन वैसे रोज रोज तो टाइगर हमारे आपने कभी देखा है कि आपके घर में या आप कभी गांव साइड गए हो वहां पे टाइगर आ गया है बहुत रेयर गांव साइड ऐसा होता है विलेजेस में होता है आउटस्कर्ट पर ऐसा होता है रेयर केस है तो यहां पे यही पोम में बोला गया है कि इवन वेन द टाइगर्स ओकेजनली कभी कभार अगर वो स्ट्रे कर भी लेते हैं इन टू ह्यूमन हैबिटेशन इट ओनली ग्रल्स तो सिर्फ वो गुर्रा ही पाते हैं वो कभी किसी का नुकसान नहीं करते किसी को प्रे नहीं बनाते इट ओनली ग्राउल्स एट द इनिटेंट्स वहां के रहने वाले लोगों पे वो सिर्फ गुर्राते हैं वो अपना गुस्सा दिखाते हैं बिकॉज वो डोमिनेटिंग है उनकी नेचर है वो अपनी चीजों को रिवील कर रहे हैं कि देखिए मैं कितने गुस्से वाला मैं हूं मैं कितना पावरफुल मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूं तो वो चीजों को दिखाते हैं बट डज नॉट किल देम और हार्म देम इन एनी अदर वे बट उनका किसी भी तरीके से ना तो उनको मारते हैं और ना ही उनको कोई नुकसान पहुंचाते हैं। ये तब तक नहीं नहीं करते जब तक कोई सामने वाला उनको प्रोवोक नहीं करता कि वो ऐसा कुछ एग्रेशन दिखाए अगर आप उनको पत्थर मारोगे उन उनके कुछ हथियार से मारने की कोशिश करोगे तो वो भी अपने आप को डिफेंड करेंगे और फिर वो अपनी क्वालिटीज़ uh, को आपके सामने क्वालिटी करेंगे ठीक है अनलेस इट इज पुट अंडर एक्सट्रीम प्रोवोकेशन इन द जूज एज वेल और जू में भी ऐसा ही होता है टाइगर प्राइड इज नोटिसबल टू ऑल मतलब टाइगर जो इतना प्राउड एनिमल है वो बहुत शान से रहते अपना फ्री रहता है जब भूख लगे अपना एक फ्लेश, एक फ्रेश फ्लेश खाता है, खुद हंट करता है और बहुत स्ट्रैटेजिकली हंट करता है और फिर वही खाता है और सेटिसफाई होता है तो ये जो इस टाइप का जो एनिमल है द तो टाइगर्स प्राइड इज नोटिसबल टू ऑल भले वो केज में है, लेकिन इसका प्राइड तो सब लोग अभी भी नोटिस कर सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ विजिटर्स फ्लॉक ऑफ इट्स केज एवरी डे और हजारों विजिटर्स आते हैं उसको रोज देखने के लिए बट इट इग्नोर बट वो किसी को देखता तक नहीं बिकॉज उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है कि मुझे इसमें क्यों आपने मेरी लिमिट्स को क्यों कवर करके रखा हुआ और वो सिर्फ यहां से वहां तक केज की जितनी लिमिट्स होते हैं उसमें बस वो स्टॉक करता रहता है घूमता रहता है हंड्रेड ऑफ विजिटर्स फ्लॉक टू इट स्पेस ऑफ द केज इट के नॉट मूव फ्रीली और हंड्रेड ऑफ विजिट

आर नॉट रियली डेंजर टू ह्यूमन लाइफ वो कोई खतरा नहीं है ह्यूमन लाइफ के लिए वो किसी को अनवॉन्टेडली नहीं मारेंगे ना किसी को कोई नुकसान पहुंचाएंगे एंड सो दे शुड नॉट बी कन्फाइंड और अगर वो किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रहे किसी को कोई हार्म नहीं कर रहे मार नहीं रहे तो हम उनको क्यों उनको प्रॉब्लम दे रहे हैं उनको क्यों टॉर्चर कर रहे हैं उनको इमोशनली फिजिकली क्यों हर्ट कर रहे हैं उनकी भी लाइफ है फ्री लाइफ है उनकी फ्री विल है हम उनको उनके अकॉर्डिंग क्यों नहीं जीने दे रहे और क्यों उनको कन्फाइन कर रहे हैं और उनको पुट कर रहे हैं में बिहाइंड है, वो वो बार्स जो उनको है वो अपनी इच्छा से शिकार करके नहीं खा पा रहे और जिस चीज से उनको इरीटेशन होती है लोग उनको देख रहे हैं उनपे लाइट्स आ रही हैं उन साउंड है, वो, वो की आवाज आ रही है रात को भी वो सो नहीं पाते तो ये चीज उनको बहुत इरिटेट करती हैं और ये सब तब हो रही है जब हम एक नेचुरल एनवायरनमेंट के एनिमल को कहाँ पे डाल देते हैं जू में डाल देते हैं अब अगर हम ओवरऑल इस पोम को कंक्लूड करें तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं इन दिस पोम द पोइट इज कन्वेइंग एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट वाइल्ड एनिमल्स शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं इनका नाम ही है वाइल्ड एनिमल्स एंड दे आर मेंट टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट और देयर नेचुरल एनवायरनमेंट नॉट इन द केजेस नॉट इन द जू एंड नॉट एट ऑल बिहाइंड दू तो ये एक ब्यूटिफुल सब मैसेज ऑल एनिमल लवर या फिर ऑल वाइल्ड लाइफ लवर्स को दिया गया सबको रिलीजियसली इस मैसेज को फॉलो करना चाहिए एंड विद दीज वर्ड आई शेड शाल टेक योर लीव ना बट एक बहुत पर्सनल इंपॉर्टेंट मैसेज है उसको याद रखना जीओ और जीने दो चाहे वो कोई इंसान हो या फिर वो कोई जानवर क्यों ना हो वो जहाँ पर रहना चाहता है जैसे रहना चाहता है उनको पूरा हक है उसी तरीके से रहने का सो विज इंपॉर्टेंट वर्ड्स आई वुड रेली टेक अ लीव बट प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस एंड स्टे ट्यून बिकॉज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज और इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइज विच आर यूज इन दिस पोम ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है थैंक यू वेरी मच सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो